माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये सरसों के पौधे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं ये शुरू। तो सोमवार वाले दिन आया था, आज बुध का दिन है। उकाड़ा से वापस आ गया था, लेकिन वो मैंने ना उसकी वीडियो बनाई है और ना ही मैं कल व्लॉग बना पाया हूँ। बस जिस सूरत हाल में मैं आया हूँ ना, तो मुनासिब नहीं था वो वीडियो बनाना, क्यों मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा उस्ताद थे जो हमें पढ़ाते हैं और वो निकले हुए हैं। सखर का टूर है उनका मुकम्मल, जो सखर जाना है उन्होंने, तकरीबन 4 दिन का टूर था उन्होंने, 3-4 दिन का। तो वापसी मेरे पास होकर जाएंगे, क्यों आखिरी खाना भी मेरे पास है उनका, तो वो मुझे इधर उतार के गए थे, तो उनके साथ वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल था। और जल्दी जल्दी मैं काफ़ी सामान मैं भूल के भी आया हूँ उकाड़ा में। मेन जो सर्दी का सामान था वो उधर ही उकाड़ा में पड़ा है, तो इधर थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, स्वेटर वगैरह वो उधर ही पड़े हैं उकाड़ा में। तो जब मैं इधर उतरा था उस वक्त मुझे जब सर्दी महसूस हुई है उस वक्त याद आया कि मैं स्वेटर वगैरह उधर भूल के आया हूँ। तो बस अभी 2 दिन और हैं, गुजारा करेंगे, क्यों जुमे तक की छुट्टी है, सोमवार से लेकर जुमे तक की छुट्टी थी, तो आज बुध हो चुके हैं, 2 दिन रह गए हैं। तो उस्ताद जो इधर आएंगे उनकी दावत वगैरह का जो इंतज़ाम है वो भी कर रहे हैं, कल से शुरू किया हुआ है, क्यों सामान वगैरह मुकम्मल कर रहे हैं जो ला के रखना है। गोश्त वगैरह था वो भी ला के फ्रीज़ किया हुआ है, क्यों वक्ती तौर पे बहुत मुश्किल होती है सब कुछ इकट्ठा करना, तो इसीलिए अभी से इकट्ठा कर रहे हैं। जो बाज़ार वगैरह, कल बाज़ार गया हुआ था इसीलिए काफ़ी टाइम लगा उधर भी मेरा, तो अभी अपने जो महीना पहले जो मैं गया था तो बुखार की हालत में जो मैंने बरसीन भिजवाई की थी वो देखने के लिए निकला था। आप दोस्तों को भी दिखाते हैं, ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हुई है। अभी नहा के फ्रेश हुआ हूँ, क्यों जिस दिन से आया था कपड़े नहीं चेंज कर पाया, तो ये नया सूट अम्मी जान ने सिलवा के दिया है, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे भी और आपको भी उम्मीद है लगेगा। ये देखें कलर बहुत प्यारा है, और ये देखें क्यों जो सखर का टूर था उनका भी अभी कॉल आई थी मेरे पास, क्यों उनका जो प्रोग्राम था मेरे पास आने का वो कैंसिल हो चुका है, क्यों उन्होंने एक और जगह का प्रोग्राम बनाया, अगर वो वहाँ से इधर आते हैं तो काफ़ी टाइम होता है और वापसी उनकी रात 12 बजे तक उकाड़ा वापस होना है, तो अगर 12 बजे नहीं पहुँचते हैं उकाड़ा में रात तो अगला दिन शुरू होता है, तो गाड़ी का किराया ज़्यादा होता है, क्यों रात 12 बजे तक की गाड़ी करवाई हुई उन्होंने। तो मैंने तो फुल इंतज़ाम किया हुआ था, तो अभी भी अम्मी अबू शहर गए हुए थे कुछ और सामान लेने के लिए, मैंने फिर फौरी उनको कॉल की है और सामान लाने से रोका है, तो क्यों वो ज़ाया ही जाना था, घर में इतना इस्तेमाल नहीं होना था जो मैंने कुछ मंगवाया था, तो भी बस अभी भी मैं पुलाव बना रहा हूँ, वो मैंने रखे हुए थे, वो भी आप दोस्तों को दिखाते हैं। उससे पहले अपने जानवर दिखाते हैं जो छोटे छोटे से हैं, ये पहले इधर से बहुत तंग करते थे हमें, सुरंग वगैरह बना लेते थे तो उसकी वजह से काफ़ी तंगी होती थी, तो अभी से ये इधर से RCC ईंटें लगा दी हैं और उनके लिए वो पराली गिरा दी है, वो खुद ही अंदर सेट कर रहे हैं, वो देखें अंदर लेके जा रहे हैं, तो बहुत तंग किया है इन्होंने, अब नहीं करेंगे जो जैसी हमने सेटिंग की है इनकी। मैंने भी जिस दिन से आया हूँ आज देख रहा हूँ उन्हें, और हमारी बतखें गायब हो रही हैं, वो लगता है उधर गई हुई हैं,
ये इधर खड़ी है और वो बकरी है हमारी। ये देखिए अभी गोश्त गला है, इसमें अब पानी डालेंगे चावलों के लिए। अभी ईशा की नमाज पढ़ के फारग हुआ हूँ। असर के बाद तकरीबन असर के वक़्त मेरी आंख लग गई थी, तो अचानक से ही कुछ मूड ऐसा बना है कि मैं सो चुका था उस वक़्त, तो मगरिब के वक़्त आंख खुली है, उसी वक़्त मैंने खाना भी खाया। अजीब सी तबीयत हो रही थी, तो अभी भी लगता है कि रात को बहुत लेट तक नींद आएगी, क्योंकि जब दिन में ऐसे सो लें तो रात को काफ़ी टाइम लग जाता है सोने में। तो बस खाना वगैरह खाया था मगरिब के वक़्त, और नमाज अभी मैंने ईशा की पढ़ी है फारग हुआ हूँ, तो अभी नींद का कोई चांस नहीं है, लगता भी नहीं है कि नींद आएगी इतनी जल्दी। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।